नेक्स्ट में इससे जस्ट प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे, प्लस मैंने बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे रिगार्डिंग साइज ऑफ टू डायमेंशनल एरे एंड एड्रेस ऑफ टू डायमेंशनल एरे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सेम प्रीवियस प्रॉपर्टीज को एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगेन सबसे पहले अगर बात करें पर्टिकुलर प्रोग्राम के, इसमें बिगिनिंग में मैंने प्रोवाइड क्या किया, टू डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन। इसे एरे के केस में ऑर्डर क्या है, 3x5, तो इसके इसमें 3 कंसीडर होगा नंबर ऑफ रो एंड 5 क्या नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे इसके इसमें एग्जीक्यूशन कंट्रोल एंटर हुआ, सबसे पहले क्रिएट क्या करेंगे, टू डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, मीन्स 2D एरे। 2D एरे के केस में नंबर ऑफ रो कितने फाउंड हो रहे हैं, टोटल 3 रो एंड 5 कॉलम्स। कॉलम्स कितने, 5, एंड रोज कितने, एग्जैक्टली 3, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। मीन्स टू डायमेंशनल एरे के अंदर किसी भी रो को आप कंसीडर करोगे एज अ वन डायमेंशनल एरे। इसे कोई भी रो अपने आप में रिप्रेजेंट क्या करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन्स फर्स्ट रो के केस में बात करना, फर्स्ट रो के अंदर टोटल कॉलम्स कितने क्रिएट हुए हैं, 5 कॉलम्स। सेकेंड रो के अंदर भी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, 5 कॉलम। दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, दिस इज द थर्ड रो। मीन्स 2D एरे के अंदर सारे के सारे रो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे बेस्ड ऑन रो इंडेक्स। सिमिलरली कॉलम्स भी आइडेंटिफाई करोगे बेस्ड ऑन कॉलम इंडेक्स। मीन्स इस केस में फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट वन, एरे के केस में मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगे, सभी एलिमेंट्स के केसेस में डिफॉल्ट वैल्यूज गार्बेज अकॉर्डिंग टू ऑटो स्टोरेज क्लास इन दैट केस। नेक्स्ट वन, फर्स्ट केस में फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के केस में इसका इंडेक्स क्या रहेगा, 0, 0। सबसे पहले क्या आएगा, रो इंडेक्स देन कॉलम इंडेक्स। तो रो इंडेक्स सभी केस में क्या है, 0, 0 इन ऑल केसेस, क्योंकि इस रो के केस में इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। प्लस इस रो को आप नेम दोगे, इस केस में ए क्या, ए इज अ नेम ऑफ कंप्लीट ब्लॉक। लेकिन इस फर्स्ट, इस कंप्लीट रो का नेम क्या है, इस फर्स्ट रो का नेम क्या है, A0। सिमिलरली सेकेंड रो का नेम क्या है, A1। थर्ड रो का नेम क्या है, इसके इसमें A of 2। क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके इसमें जैसे मैं एलिमेंट्स के नेम्स मेंशन कर रहा हूँ, जिससे आपकी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज क्या करेंगे, एरे नेम विद इंडेक्स। इसके इसमें इंडेक्स के केस में जनरली टू इंडेक्स और टू डायमेंशन मेंशन होता है। सबसे पहले सप्लाई क्या करो, रो इंडेक्स देन कॉलम इंडेक्स। फर्स्ट केस में एरे का नेम क्या है, ए, रो इंडेक्स क्या है, 0, एंड कॉलम इंडेक्स क्या है, ऑल्सो 0, मीन्स A 0 0। नेक्स्ट केस, ए, रो इंडेक्स सभी केस में सेम है फर्स्ट रो के केस में, लेकिन कॉलम इंडेक्स क्या है, 1। नेक्स्ट टाइम A 0 2 एंड A 0 3 एंड A 0 4। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में रो इंडेक्स क्या है, 1, इसलिए रो का इंडेक्स मेंशन करेंगे 1, कॉलम इंडेक्स 0। सिमिलरली A 1 1 A 1 2 A 1 3 1 4। नेक्स्ट केस, ए, रो इंडेक्स क्या है, 2 एंड कॉलम इंडेक्स क्या है, 0, A 2 0 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 2 4। मैंने कोई वैल्यू साइन नहीं किया। सपोज दैट फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 100, देन नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हुआ, 102 104। इसके इसमें से एग्जाम्पल में आपको वैल्यूज कॉन्सनट्रेट करने की नहीं, इसके इसमें कॉन्सनट्रेट क्या करोगे, ओनली मेमोरी एड्रेसेस, क्योंकि मैंने जस्ट डिस्कस कर दिया साइज एंड एड्रेस प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, मीन्स सारे के सारे रो कैसे होंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, मीन्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था रैम के अंदर, मीन्स मेमोरी, मीन्स डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग एरे डिवाइड किस फॉर्म में, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में। लेकिन जब रैम मेमोरी में मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ, तो रैम इटसेल्फ किस फॉर्म में क्रिएट होता है, एज अ सिंगल रो। तो इसके इसमें एरे टू डायमेंशनल एरे भी मेमोरी लेवल पर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, एज अ टू डायमेंशनल एरे। लाइक दिस इज द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के जस्ट बाद क्रिएट किया हुआ सेकंड रो, एंड सेकंड रो के जस्ट बाद क्या रहेगा, थर्ड रो। फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स कितने क्रिएट होंगे, 5 एलिमेंट्स, 1, 2, 3, 4, 5। सेम सेकंड रो के अंदर भी एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑल्सो 5 एलिमेंट। थर्ड रो के अंदर भी एलिमेंट्स कितने, 5 एलिमेंट। दिस द रो इंडेक्स, फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या है, 0, सेकंड रो का इंडेक्स क्या होगा, 1, थर्ड रो का इंडेक्स क्या है, 2। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, अगेन 0, 1, 2, 3, 4। इस मेमोरी के अंदर एलोकेशन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 है, तो नेक्स्ट का क्या आएगा, 102, 104, 106 एंड 108।
देन सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 110, सेम एज इन दैट केस। तो सेकंड मींस लास्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 10, तो नेक्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है प्रीवियस एड्रेस प्लस 1, इसका आएगा 110, क्लियर। देन 112 मींस 2D एरे भी मेमोरी के अंदर किस फॉर्म में क्रिएट होगा, आएगा कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस 116 118 देन 120 122 एंड सो ऑन, क्लियर लाइक दैट। नेक्स्ट में इसके प्रॉपर्टी टेस्ट करेंगे, देन आउटपुट ऑन द मॉनिटर डिवाइस। इस केस में जस्ट गिवन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंट एप के थ्रू डिस्प्ले क्या कराया गया है, साइज ऑफ ए, ए क्या है इस कंप्लीट एरे का नेम। अगर ए जीरो की बात करें तो ए जीरो किसका नेम है, फर्स्ट रो का साइज क्या है, फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 5, और एलिमेंट का टाइप इंटीजर, एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या है 2, तो टोटल साइज क्या हुआ इस फर्स्ट रो का साइज क्या है 5 × 2 इज 10 बाइट्स। सेकेंड रो का भी साइज क्या है ऑल्सो 10 बाइट्स। थर्ड रो का भी साइज क्या है 10 बाइट्स। इससे कंप्लीट होल एरे का साइज क्या है जस्ट 30 बाइट्स, क्लियर। चेक भी कर सकते हो इस केस में टोटल, इस केस में एलिमेंट्स कितने 5 × 3 इज 15, और एक सिंगल एलिमेंट का साइज क्या है 2 बाइट, टोटल एलिमेंट्स कितने 15 एलिमेंट और एक सिंगल एलिमेंट का साइज 2 बाइट, इसलिए टोटल साइज क्या है इस एरे का 30। अगर आप ए डिस्प्ले कराओगे साइज ऑफ ए, साइज ऑफ ए से क्या डिस्प्ले होगा होल एरे का साइज, और कंप्लीट एरे का साइज क्या है इसके इसमें जस्ट 30। तो फर्स्ट प्रिंट एप से डिस्प्ले क्या हो जाएगा रियल टेस्ट 30, क्लियर। देन स्पेस, स्पेस के बाद नेक्स्ट प्रिंट एप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले क्या हो रहा है साइज ऑफ ए जीरो। ए जीरो क्या है इसके इसमें, ए जीरो इज अ नेम ऑफ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो अपने आप में क्या कोई भी रो इटसेल्फ क्या हुआ ऑलवेज वन डायमेंशनल एरे। तो फर्स्ट रो के केस में बात करें ए जीरो, ए जीरो इस पूरे कंप्लीट रो का नेम है, और कंप्लीट रो का साइज क्या है ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया है 10 10। फर्स्ट रो का साइज क्या है 10 बाइट्स, सेकंड रो का भी साइज क्या है ऑल्सो 10 बाइट्स सेम एज इस सेकंड। थर्ड प्रिंट ऐप के थ्रू डिस्प्ले क्या करा साइज ऑफ ए ऑफ वन, ए ऑफ वन मीन सेकंड रो, और सेकंड रो का भी साइज क्या है ऑल्सो 10 बाइट्स, डिस्प्ले क्या होगा अगेन 10 बाइट्स। नेक्स्ट वन फोर्थ प्रिंट है, फोर्थ प्रिंट है में डिस्प्ले करा है साइज ऑफ ए जीरो जीरो, ए जीरो जीरो मीन्स जीरो थ्रो जीरो कॉलम, मीन्स जीरो थ्रो मीन्स दैट वन, मीन्स इस रो के अंदर किस एलिमेंट को एक्सेस करना है जीरो मीन्स दैट प्लेस, और इस प्लेस के रिस्पेक्ट में बात करें इस पर्टिकुलर एलिमेंट का साइज क्या है मीन्स कि एरे के अंदर जिस टाइप से किसी भी रो का साइज क्या है 10 बाइट, सिमिलरली किसी भी एलिमेंट का साइड डिस्प्ले कराओ एलिमेंट इंटीजर टाइप के हैं तो एलिमेंट का साइज क्या है जस्ट 2 बाइट्स, क्लियर। इसके जस्ट बाद स्लैश एन यूज हुआ इसलिए नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होगा, क्लियर। नेक्स्ट प्रिंट मीन्स फर्स्ट केस में मैंने जस्ट डिस्प्ले किया कराया साइज प्रॉपर्टी, नेक्स्ट केस में एड्रेस प्रॉपर्टी। सपोज दैट इस एरे के केस में एरे का बेस एड्रेस है जो क्या 100, तो इस बेस एड्रेस 100 के अकॉर्डिंग इसके एड्रेस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। आप जब इस सेम प्रोग्राम को सिस्टम में एग्जीक्यूट कराओगे तो सिस्टम के अंदर एड्रेस डिफरेंट जनरेट होगा बेस एड्रेस, लेकिन डिफरेंस एग्जैक्टली सेम होगा व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, क्लियर। इन दैट केस फर्स्ट वन जस्ट इस केस में एड्रेस प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, सपोज अगर इस एरे का बेस एड्रेस 100 है देन इसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या डिस्कस होगा, मीन्स फर्स्ट वन डिस्प्ले क्या करा एड्रेस ऑफ ए देन एड्रेस ऑफ ए प्लस वन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था जब भी एरे नेम के साथ आप एम्परसेंट ऑपरेटर अप्लाई करो तो इससे रिप्रेजेंट क्या है होल एरे का एड्रेस, इस होल एरे का एड्रेस क्या है मीन्स इस केस में क्या है 100, इस बेस एड्रेस क्या है इस केस में जस्ट 100। तो इस केस में फर्स्ट प्लेस पर क्या डिस्प्ले हुआ जस्ट 100, सेकंड प्लेस पर क्या है एड्रेस ऑफ ए प्लस वन। क्वेश्चन है कि यार कन्फ्यूजन क्या है, इस एरे का भी बेस एड्रेस क्या है 100, एरे के फर्स्ट रो ए ऑफ जीरो रो का एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का भी एड्रेस क्या है ऑल्सो 100, क्लियर। तो इस केस में तीनों ही केस में 100 आएगा, लेकिन इस केस में पता कैसे चलेगा किस केस में फर्स्ट रो का एड्रेस रिप्रेजेंट हुआ, किस केस में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिप्रेजेंट हुआ, किस केस में कंप्लीट एरे का एड्रेस रिप्रेजेंट हुआ। अगर आप एरे नेम के साथ एम्परसेंट ऑपरेटर अप्लाई करो इसे रिप्रेजेंट क्या होगा होल एरे का एड्रेस। अगर रियल में इससे होल एरे का एड्रेस रिप्रेजेंट हुआ तो इंक्रीमेंट कितने से होना चाहिए साइज ऑफ कंप्लीट एरे, और इस कंप्लीट एरे का साइज जस्ट मैंने फर्स्ट केस में डिस्प्ले कराया था क्या डिस्प्ले हुआ था 30, इस पूरे के पूरे एरे का साइज क्या 30, इस केस में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा 30 से इन केस ऑफ वन। तो एड्रेस क्या है 100 प्लस 30 बिकम्स 130, तो इस केस में क्या आएगा जस्ट 130। तो फर्स्ट केस में अगर रियल में इसका बेस एड्रेस 100 है मीन्स आपके सिस्टम में आउटपुट कुछ भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस कितने का आएगा एग्जैक्टली 30। आपको ओनली डिफरेंस कॉन्सेंट्रेट करने की नीड होगी।
नेक्स्ट वन व्हाट अबाउट सेकंड प्रिंट एफ. सेकंड प्रिंट एफ में मैंने ओनली यूज किया गया एरे नेम. तो मैंने आपको बताया था टू डायमेंशनल एरे की किस क्या 2D एरे हो या 1D एरे हो. एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. और टू डायमेंशनल एरे के रिस्पेक्ट में एलिमेंट में से एक सिंग कोई भी रो कंसीडर होगा एज अ एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट. तो इस केस में अगर टू डायमेंशनल एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे एरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1, 2, 3. टोटल एलिमेंट्स कितने ओनली 3 एलिमेंट्स. क्लियर. अगर किसी भी रो के अंदर बात करें तो रो के अंदर कितने एलिमेंट है 5. लेकिन इसे एरे के अंदर लॉजिकली कोई भी रो कंसीडर होगा एज अ सिंगल एलिमेंट. तो टू डायमेंशनल एरे के अंदर एलिमेंट की बात करें तो सिंगल एलिमेंट क्या है अपने आप में सिंगल रो. तो इस केस में एरे नेम इटसेल्फ रिप्रेजेंट क्या करेगा जस्ट फर्स्ट एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट मींस फर्स्ट रो. फर्स्ट रो मीन्स यहाँ ए से क्या रिप्रेजेंट होगा फर्स्ट रो का एड्रेस नॉट अ होल एरे. जैसे वन डायमेंशनल एरे के केस में एरे नेम से क्या रिप्रेजेंट हुआ था वन डायमेंशनल एरे के केस में एरे इटसेल्फ क्या था रो से रिप्रेजेंट हुआ और एरे नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. लेकिन यहाँ इससे रिप्रेजेंट क्या हुआ अगेन फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. लेकिन टू डायमेंशनल एरे के केस में फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ क्या है दिस कंप्लीट रो. इस कंप्लीट रो को आप नेम दोगे फर्स्ट एलिमेंट. इस कंप्लीट रो का साइज क्या है 10 bytes. अगर रियल में इससे कंप्लीट रो रिप्रेजेंट हो रहा है मीन्स ए के प्लेस पर बेस एड्रेस क्या है 100 और जब 1 से इंक्रीमेंट कराएं तो क्या है 100 प्लस 1 के प्लेस पर इंक्रीमेंट कितने से होगा साइज ऑफ कंप्लीट रो और किसी भी रो का साइज क्या 10 byte. तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 10 से. नेक्स्ट केस में क्या डिस्प्ले होगा 100 प्लस 110. क्लियर. फिर से याद रखना एरे नेम इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और 2D एरे के केस में फर्स्ट एलिमेंट मीन्स फर्स्ट रो रिगार्डिंग एरे नेम. नेक्स्ट वन थर्ड केस अगेन डिस्प्ले करा है एड्रेस ऑफ A0. A0 की बात करें तो A0 क्या है नेम ऑफ दिस एरे और M% ऑफ A0 से क्या है इस रो का एड्रेस इस रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और कंप्लीट रो का एड्रेस. कंप्लीट रो का एड्रेस और कंप्लीट रो का एड्रेस भी क्या है ऑल्सो 100. तो फर्स्ट केस में क्या है 100 लेकिन इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा डिपेंड करेगा इससे कितने एलिमेंट का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है. फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स कितने 5 साइज क्या 10 bytes. तो यहाँ भी इंक्रीमेंट कितने से होगा 10 से. मीन्स फाइनली इन दोनों प्रिंट एफ का मीनिंग एग्जैक्टली कैसा सेम. मीन्स टू डायमेंशनल एरे के केस में एरे का नेम एग्जैक्टली किसके सिमिलर है एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0. प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने प्रीवियस केस में डिस्कस किया था. दोनों के मीनिंग कैसे हुए ऑलवेज सेम. क्लियर. फाइनली इस केस में डिफरेंस कितने का आएगा अगेन 10 का. मीन्स प्रीवियस प्रिंट एफ और करेंट प्रिंट एफ का बिहेवियर कैसा सेम. नेक्स्ट वन एनदर प्रिंट एफ. इस प्रिंट एफ के केस में जस्ट डिस्प्ले क्या करा एड्रेस ऑफ A00. A00 क्या हुआ इस केस में फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और फर्स्ट कॉलम का एड्रेस. फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम का साइज क्या है 2 byte. तो उससे कितने byte का एड्रेस रिप्रेजेंट होगा 2 bytes का. लेकिन इसका A00 का एड्रेस क्या है 100 और इंक्रीमेंट कितने से होगा साइज कितना इसका 2 byte. तो इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा ओनली 2 से. इस केस में क्या 102. नेक्स्ट प्रिंट एफ. नेक्स्ट प्रिंट एफ की किस बात करें डायरेक्टली डिस्प्ले करा A0. तो आपको पता होना चाहिए A0 इस केस में क्या है फर्स्ट रो. फर्स्ट रो मीन्स अपने आप में इसको कंपेयर करोगे एज अ वन डायमेंशनल एरे. मीन्स A0 पास करने का मतलब क्या है वन डायमेंशनल एरे का नेम पास करना. और प्रिंट एफ में जब भी आप वन डायमेंशनल एरे का नेम यूज करते तो देन वन डायमेंशनल एरे से रिप्रेजेंट क्या होता है मीन्स एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. क्लियर. सिमिलरली A0 क्या इस केस में लाइक अ नेम ऑफ 1D एरे और 1D एरे रेफर क्या करेगा फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस. फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस क्या जस्ट 100 और फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या 2 byte. तो इससे जस्ट कितने bytes का एड्रेस रिप्रेजेंट हो रहा है 2 byte का एड्रेस. मीन से इस प्लेस पर क्या आएगा 100. लेकिन इसमें इंक्रीमेंट कितने से होगा मीन से A0 क्या फर्स्ट 1D एरे का नेम इस फर्स्ट इस एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का साइज क्या 2 byte. इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा इस केस में 2 byte से. तो अगेन इस केस में क्या आएगा 100 and 102. मीन्स फाइनली इन दोनों प्रिंट एफ का मीनिंग कैसा एग्जैक्टली सेम. मीन्स जैसे मैंने अभी मेंशन किया था ए इज सिमिलर टू एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0. सिमिलरली इन दैट केस ए ऑफ जीरो किसके सिमिलर हो गए प्रॉपर्टी आप नोट कर सकते हैं उनको. ए ऑफ 0 एग्जैक्टली किसके सिमिलर है एड्रेस ऑफ A00. इन दोनों के मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम. क्लियर. नेक्स्ट टाइम लास्ट प्रिंट एफ. लास्ट प्रिंट एफ में जस्ट मैंने पास कर दिया ए ऑफ 1. तो ए ऑफ 1 अगेन क्या है इट इज अ नेम ऑफ वन डायमेंशनल एरे.
इसे ए ऑफ वन क्या सिंगल रो, और कोई भी रो अपने आप में क्या वो वन डी एरे, रो का नेम मीन्स क्या मीन्स वन डी एरे का नेम, और वन डी एरे नेम से रिप्रेजेंट क्या होता है इसे एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, तो इसे रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 110, इसलिए प्रिंट क्या होगा 110। नेक्स्ट टाइम वन से इंक्रीमेंट कराया तो 110 में वन से इंक्रीमेंट करा तो इंक्रीमेंट कितने से उम्मीद से 110 इटसेल्फ, होल रो का एड्रेस है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस और एलिमेंट का साइज क्या 2, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट 2 से, इसका एड्रेस क्या था 110, इंक्रीमेंट 2 से होगा तो क्या आएगा जस्ट 112। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ टू डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे सम अनदर प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इनिशियलाइजेशन। जस्ट इस केस में अभी मैंने कोई एलिमेंट इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं किया था, टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट टू टाइप से इनिशियलाइज करना पॉसिबल, दोनों ही केसेस में जस्ट डिफरेंसेस आपको रिप्रेजेंट करूंगा।